तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पे हाईवे रोड और एक्सप्रेसवे वगैरह बनते हैं, गांव से शहर से कहीं से भी निकलते हैं, तो तुम लोगों का मकान वगैरह रोड के किनारे अगर बना रहेगा तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनको ये चीज़ें सब मालूम होनी चाहिए। तो हमने कहा तुम लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, तुम लोगों को मालूम पड़े, जैसा कि हमको मालूम पड़ा है ना, तो हमने कहा तुम लोगों के लिए भी बनाया जाए। तो तुम्हारी अगर समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखना भैया, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं देखोगे अभी थोड़ा सा देख के कटपट करके भाग जाओगे तो समझ में आएगा नहीं, बाद में परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो हमने कहा वही ठीक है, आज हम तुम लोगों को नंबरों के बारे में बताएंगे, जो रोड के किनारे नंबर पड़े रहते हैं, जैसे कहीं पर पड़े रहते हैं 21+00 ऐसा पड़ा रहता है। और जैसा कि तुम लोग हमारे पीछे भी दिखा रहे हैं, ये देखो ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पे देखो नंबर पड़े हैं, ये देखो अभी दिखा रहे हैं तुम लोगों को, पहले दिखाते हैं, पहले पैर छू लेते हैं बाबा के, जय बाबा। ये देखो ये जैसे नंबर पड़ा है A158, ओके ये नंबर पड़ा है, तो इसका मतलब क्या रहता है आज इसी बारे में बातचीत होगी। और रोड के किनारे ये तो पीले कलर से पड़ा है, मान लो येलो कलर से है ये नंबर जो पड़ा है, जैसा तुम लोग देख रहे हो पीछे हमारे, ये पीले कलर से पड़ा है। और ये साइड से हमारे देखो पीछे हाईवे जा रहा है, ये देखो ये 4 लाइन हाईवे बन रहा है, ये 9 से लालगंज का हाईवे बन रहा है फिलहाल, और अभी कंस्ट्रक्शन इसमें चालू है, काम चालू है, पूरा भी काम नहीं हो पाया है इसमें तो, मगर बन रहा है फिलहाल। तो इसमें भी रोड के किनारे जो डिवाइडर वगैरह है बीच में, उधर भी जो नंबर पड़े हुए हैं वो लाल कलर से नंबर पड़े हुए हैं, और कहीं कहीं घर मकान दुकान में भी देखो नंबर पड़े रहते हैं लाल कलर से, माइनस रहता है प्लस रहता है, तो आज इसी बारे में बात होगी। अच्छा, जो घर मकान में नंबर पड़े रहते हैं लाल कलर से, तो उनका तो मतलब जाए कि इनका इतना जाएगा, इनका इतना माइनस है, तो मतलब इनका घर के भी माइनस, मतलब घर के भी अंदर तक जाएगा, हाँ ऐसा ही रहता है वो वाले नंबर का जो घर में। तो आज हम वो वाले मकान के जो नंबर पड़ते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जो रोड के किनारे नंबर और जैसे पेड़ों में नंबर जो पड़े रहते हैं पीले कलर से। तो लाल कलर का नंबर और पीले कलर के नंबर, इस बारे में आज बातचीत होगी हमारी तुम्हारी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भैया ना, ऐसे ही तुम लोगों को नई नई चीज़ें और नई नई रिपोर्टें और नई नई अपडेटें हमेशा हम देते रहेंगे। तो ये जो पीले कलर का नंबर है और वो जो रोड में आपको लाल कलर का नंबर दिख रहा है उधर बहुत दूर है वो, फिलहाल अभी हम तुम लोगों को दिखाएंगे उस नंबर के बारे में भी, पहले दिखा देते हैं तुम लोगों को फिर बताएंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर बोलोगे यार समझ में नहीं आया क्या नंबर दिखाया क्या नहीं दिखाया। तो पहले हम रोड पे जाएंगे और तुम लोगों को बराबर लाल नंबर दिखाएंगे। तो अभी हम रोड पे जा रहे हैं, तो आज इन्हीं नंबरों के बारे में तुम लोगों को बताएंगे इसका मतलब क्या रहता है कि क्या है। जैसे कि अभी तुम लोगों को मालूम है, हम लोगों को तो मालूम है कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना, तो बता देते हैं। ये मेन चीज़ जो हाईवे किनारे जो नंबर रहता है, ये अभी रोड बहुत चल रही है यहाँ पे, देखो रोड बन गई है और साधन बहुत ज़ोर चलने लगे, अभी बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो अभी हम तुम लोगों को बताएंगे इसका मतलब क्या रहता है। गाड़ियाँ निकल जाने दो, गाड़ियाँ देखो बहुत चल रही हैं यहाँ पे, ऑटो रिक्शा वगैरह अभी पहल के चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा बहुत ख़तरनाक रहते हैं, इनसे बचो। अभी तुमको नंबर हम दिखाएंगे, ये देखो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो ये नंबर जो पड़े हैं रोड किनारे, ये देखो ये देखो ये देखो 21+00 दिख रहे हैं, ये नंबर दिख रहे हैं बराबर, है ना। तो ऐसा नंबर तुम लोगों को दिखा दिया है हमने, और अभी हम तुम लोगों को इसकी जानकारी देंगे इसका मतलब क्या रहता है। तो अड्डे पे पहले पहुंच जाने दो हमको, अड्डे पे जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक बात बताते मज़ा नहीं आएगी, तो पहले बात बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तुम लोग बेचारे क्या है ना मालूम पड़ेगा ना। और अच्छा, कितने सारे लोग रहते हैं जान जाते हैं, ये नंबर पड़े मगर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है किधर से पता लगाएंगे। तो हमने कहा इसी सब चीज़ें तुम लोगों को हम बताएंगे और दिखाएंगे क्या रहेगा, तो आज हम फिर से तुमको बताएंगे। तो सुनो, ये नंबर जो रहता है और वो जो लाल नंबर तुमको दिखा के लाए हैं हम लोग, ये नंबर है जो पेड़ पे लगा है, ये नंबर है लेवलिंग का, लेवलिंग समझते हो, रोड से इस पेड़ की जो लेवल है, लेवल अच्छा लेवल रहता है ना लेवल, वो नापते हैं। तो इसका लेवल और रोड का लेवल सेम है, हाँ ये PNC का निशान है, इसका लेवल उसका, ये लेवलिंग का निशान है। इसको पीले नंबर से आप लोगों को कहीं पेड़ वगैरह में कुछ दिखे तो समझो ना कि ये लेवलिंग का नंबर है, ये रोड से और ज़मीन का लेवलिंग का नंबर। और जो रोड पे नंबर अभी हम तुम लोगों को दिखाया है, अब उसके बारे में हम बताएंगे तुमको। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो मतलब वर्कर वगैरह रहते हैं, वर्कर बहुत सारे रहते हैं करीब यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ PNC का कैंप पड़ा है, यहाँ पे करीब 10,000 वर्कर काम कर रहा है, बाहर बाहर से आए हैं, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए क्या है ना, वो रोड पे जो नंबर पड़ा है 21+00, वो नंबर 9 से यहाँ तक के लिए है,
उन्नाव से यहाँ तक के लिए। इसका मतलब यह रहता है कि उन्नाव से सिकंदरपुर 21 किलोमीटर दूरी पे हम बैठे हैं, और जैसे कि कोई पीएनसी का अधिकारी कार्यकर्ता कोई रहता है और उसको कई फ़ोन आता है तो सीधा यही बोलता है कि हम 21+00 पे खड़े हुए हैं, यहाँ यहाँ पे ऐसी दिक्कत है, यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। इसका मतलब ये रहता है कि वो लोग इसका एक कोट मार्क बना के रखते हैं कि यहाँ से हमारा ये काम हो रहा है और यहाँ हम खड़े हुए हैं, और उसके आगे भी जैसे वो हमने वो तुमको 21+00 दिखाया है, उसके आगे भी देखो +020 मतलब 21.20 पे 21 किलोमीटर और 20 मीटर पे, और ऐसे ही हर एक 20 मीटर पे नंबर पड़े हुए हैं, जिसमें कि कार्यकर्ता जो लोग रहते हैं, काम करने वाले वर्कर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले जितने सारे अधिकारी कोई भी मतलब रहे रोड पे काम करने वाला, उनको मालूम तो रहता नहीं वो कहाँ खड़े हैं, कौन सा गाँव है, कौन सा कस्बा है, कौन सा शहर है, तो ये सब उन्हीं का कोड है और ये लोग वही डाल के रखते हैं। इससे उनकी दूरी का पता होता है और उनको रिपोर्ट अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो सीधा कोई अधिकारी यहाँ से कहेगा कि यहाँ पे 21+00 पे आप आदमी भेजो या कोई दिक्कत है किसी को भेजो, तो उस हिसाब से वो लोग फटाक से अपना आदमी भेजेंगे और यहाँ पे उनका काम होएगा, और ऐसे ही रोड बनती है और ऐसे ही ये सब निशान रहते हैं। तो तुम लोगों को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी वगैरह हो, कुछ पूछना हो और कुछ समझाना हो, हमको ही तुम लोग ज्ञान देना अगर चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो और हमको बता सकते हो। तो मिलते हैं तुम लोगों को अगले वीडियो में, और जय हिंद जय भारत।